रायपुर में कांग्रेस के सारे सितारे ऐसा लगता है जमीन पे उतर आए हैं। हमारे साथ गुरदीप सप्पल जी हैं जो AICC के इंचार्ज हैं और एक बड़ी भूमिका रखते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में। गुरदीप जी, जो रायपुर में अधिवेशन होने जा रहा है, क्या लगता है कि रायपुर की इस धरती से कुछ देश को मैसेज जाएगा? बिल्कुल जाएगा। पहला मैसेज ये जाएगा कि जिस भारत में आप लोगों ने जन्म लिया, जिस भारत में आप लोगों को बराबर के अधिकार मिले, जिस भारत में संविधान ने ये बात की कि हर व्यक्ति बराबर होगा, जिसको कि RSS बदलना चाह रही है, वो ये कहती है कि कुछ लोग सुपीरियर हैं और कुछ लोग इन्फीरियर हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ने को तैयार है, नंबर एक। दूसरा बड़ा मैसेज ये जाएगा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में इस देश के अंदर अपना विजन रखेगी कि इस देश में आने वाले समय में नीतियाँ कैसे होंगी। ये जो पिछले 9 साल में मोदी राज में एक बेसिक काम हुआ है कि कुछ लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे दूसरे कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हो, उनमें देश की 1/4 GDP उनकी जेब में चली गई है, तो किसकी जेब से बाहर आई है ये? ये आप हमारे जैसे लोगों की जेब से पैसा निकलकर कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है। वो पॉलिसीज़ का देश में विरोध करना ज़रूरी है, वरना आने वाले समय में केवल कुछ एक लोगों का, 2-3 लोगों का इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस देश की खेती पे, इस देश के प्रोडक्शन पे, इस देश के तमाम रोड्स पे, पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, सब पे अगर कुछ ही का राज होगा तो देश तो भारत नहीं रहेगा ना। बिल्कुल। तो ये जो अधिवेशन है, क्या इस बात की ज़मीन तैयार करेगा, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ एक पूंजीवादी जो लोग हैं उनकी मुट्ठी में सारा देश है, जैसा कि आप अपने शब्दों में कह रहे थे, तो इस अधिवेशन की क्या भूमिका होगी इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, पूंजीवादी की बात करते हुए मैं बोलूँ कि हम क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कॉरपोरेट के खिलाफ नहीं है। इस देश का इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी के राज में कॉरपोरेट सेक्टर ने बहुत तरक्की की है। आज विप्रो हो, TCS हो, टाटा हो, ये जितने नाम हैं बड़े बड़े दुनिया में, डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो याद ही से करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी की देन है। हम जो विरोध कर रहे हैं कि सब नियम कानून तोड़कर केवल कुछ लोगों को बढ़ाया जाए, इसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो संदेश की बात है, ये तो भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हो गया है। अब हम ठहर कर ये तय कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब इस देश में सांगठनिक रूप से हमको क्या करना है और इस देश में आने वाले विजन पे क्या काम करना है, ये अधिवेशन इसको भी तय करता है। सर, कुछ संशोधन भी होंगे ऐसी बात हो रही है, तो वो क्या संशोधन हो सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, संशोधन कुछ होंगे संविधान में, ठीक इसी वक्त अभी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के बाद मैं बता सकता हूँ, अभी मैं उसको नहीं बता सकता हूँ। जी जी, ठीक है। तो हमारे साथ गुरदीप जी थे जो जिन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि कांग्रेस पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो एक तरफा जिसको बार बार कांग्रेस याराना पूंजीवाद कह रही है उसका विरोध करेगी और कहीं ना कहीं ये अधिवेशन उसकी ज़मीन तैयार करने में मदद करेगा। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।